जय श्री राम। बुद्धि और व्यापार की गणना रखने वाले ग्रह बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आने वाली 10 मई 2024 को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो ग्रह हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत के ग्रह मंगल, जिनको हम सेनापति कहते हैं, उनकी राशि के अंदर उनका गोचर होगा। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बुध बृहस्पति की मीन राशि में थे, जहाँ पर वो नीच के होते हैं, जहाँ पर वो राहु केतु अक्ष पर रहे, और पिछला काफ़ी समय अगर देखें तो लगभग लगभग 50 से 60 दिन का समय बुध ग्रह ने वक्री होकर, मार्गी होकर, कभी नीच के हुए, कभी कुंभ राशि में गए, कभी राहु केतु अक्ष पर चले गए, तो इसलिए इस प्लैनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। और जब भी किसी प्लैनेट के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारकत्व में डिस्टर्बेंस आता है। अब वो डिस्टर्बेंस बहुत हद तक दूर होने जा रहा है, क्योंकि अब बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी जहाँ बुध को हम राजकुमार कहते हैं, वहीं मंगल को हम सेनापति कहते हैं। बुध, जिसको हम गणित का कारक कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की क्षमता कहते हैं, वाणी, याददाश्त, ये सब कुछ बुध ग्रह के ही तत्व हैं। अब ये बुध ग्रह शिक्षा को भी सबसे ज़्यादा प्रबोधित करता है। अब ऐसा ही एक ग्रह जब नीच का हो रहा हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो वो पीड़ित होता है, वो अपने पूर्ण फल नहीं देता। अब ये ग्रह वहाँ से निकलकर प्योरली एक तरीके से देखें तो एक नया जन्म बुध ग्रह का यहाँ हुआ, जहाँ पिछले 60 दिनों में जो पीड़ा झेली है, अब उस पीड़ा का अंत हो गया है। 10 मई से लेकर 30 मई तक, यानी अभी शुरुआत के 20 दिन मई के महीने में बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल अग्नि तत्व राशि कहलाती है। ये मंगल की सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बुध ग्रह मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ बुध ग्रह मंगल की मेष राशि के अंदर है और मंगल को भी हम तेज के लिए जानते हैं, जोश, हिम्मत, साहस के लिए जानते हैं। दोनों ही ग्रह युवा हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुध ग्रह मंगल की राशि में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को अच्छा करेगा, आपके बोलने की क्षमता को अच्छा करेगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगा ये बुध ग्रह जब ये मंगल की राशि के अंदर गोचर करेगा। साथ ही साथ देखें तो बुध को यहाँ राहु से मुक्ति मिल रही है, बुध को यहाँ नीचता से मुक्ति मिल रही है। अब वो सभी लोग जिनको बुध से संबंधित दशाएँ हैं, या मंगल की राशि में बुध जा रहे हैं तो मंगल से संबंधित दशाएँ किसी भी तरीके से चल रही हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। बुध ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ केतु के नक्षत्र में, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र में जाना भी किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा ही बल देता है, क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो बुध ग्रह के मित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म इसमें से किसी नक्षत्र में हुआ है, या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट मेष राशि में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में ही होंगे और बुध ग्रह भी उसके ऊपर ही गोचर करेगा, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से, यानी अलग अलग तरीके से हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये 20 दिन हमारे लिए कैसे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा कि बुध ग्रह का एक पुनर्जन्म हो रहा है, बुध ग्रह का एक नया उदय हो रहा है। अब देखना यह है कि व्यापार के, गणित के और वाणिज्य के ग्रह बुध, मंगल जो ग्रह है हिम्मत, जोश और साहस के हैं, इनके साथ जाकर क्या करेंगे, क्योंकि जैसे ही बुध ग्रह मंगल की राशि में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह उच्च के होकर रहेंगे। अगर देखा जाए तो बुध वहाँ 30 तारीख तक रहेंगे, 10 मई से 30 तक, तो 19 मई तक शुक्र भी उसी राशि में रहेंगे और सूर्य भी 14 मई तक उच्च का होकर रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुध के साथ रहेगा। अब आइए जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है और कैसे एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है, और कैसे आपके लिए आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियाँ क्या लाभ दे रही हैं, क्या सावधानी देंगी आपको, क्या चेतावनी देंगी, वो सब बड़े विस्तार से समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। देखते हैं कि मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। आपकी ही राशि के मालिक हैं बुध, और वो राशि के मालिक पिछले काफ़ी समय से पीड़ित थे, क्योंकि अब तक बुध दशम भाव में था, राहु केतु अक्ष पे था, नीच का था, जड़त्व योग में था, इसलिए ये बुध पीड़ित था।
और जब राशि का मालिक पीड़ित होता है तो चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सम्मान हो, चाहे कर्म कार्य क्षेत्र हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, सभी क्षेत्रों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। सभी क्षेत्रों में किसी ना किसी रूप से आपको अड़चन परेशानियां देता है। लेकिन अब ये बुध फ्रेश हो गया, अब ये बुध का एक तरीके से कहे फिर से जन्म हुआ है, क्योंकि पिछले 60 दिनों में ये काफ़ी पीड़ित था। लेकिन अब इसकी पीड़ित होने की स्थितियाँ बहुत हद तक कम हो जाएंगी। पहली बात कि राशि का मालिक 11th में जाता है और 11वां घर प्राप्तियों का भाव है, कि मैंने पिछले समय में जितने भी कर्म किए, जितने भी कष्ट उठाए, उसका फल लेने का समय आ गया। 10 मई से लेकर 30 मई तक जब बुध राशि से 11th में रहेंगे तो 11th हाउस हाउस ऑफ इनकम है, 11वां घर प्राप्तियों का है, 11वां घर लाभ का है, 11वां घर जीवन में कुछ प्राप्त करने का होता है। तो वो 11वें घर में प्राप्ति होंगी कि मैंने पिछले जन्म में जो पिछले समय में जो मैंने संघर्ष किया उसका फल मुझे यहाँ मिलेगा, यानी यहाँ से आपकी अड़चनें सुलझती हुई दिखाई देंगी। नौकरी में आने वाली प्रॉब्लम, व्यापार में आने वाली प्रॉब्लम, फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में चल रही हैं तो वो यहाँ से सॉर्ट आउट होंगी। तो सबसे अच्छी बात यही है। दूसरी बात, चौथे घर का मालिक भी होकर वहाँ पे बुध गया, इसलिए भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ लेने का समय है, पजेशन लेने का समय है, बुकिंग कराने का समय है भी, ऐसे हम यहाँ से कह सकते हैं। 19 मई तक तो शुक्र भी इसके साथ हैं, पंचम के मालिक होके वहाँ हैं, यानी ये समय एजुकेशनली बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि शुक्र भी लाभ स्थान में, बुध भी लाभ स्थान में, इसलिए ये समय एजुकेशनली आपके लिए अच्छा होगा। इसमें आपकी शिक्षा अच्छी होगी, इसमें आपको शिक्षा में फ़ायदा मिलेगा, प्रेम संबंधों के लिए ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं उच्च का सूर्य भी देखिएगा तो 14 मई तक यही है, यानी यात्राओं से मिलने वाला लाभ। कभी कभी ऐसी स्थिति में ट्रांसफ़र के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, दूसरे स्थान से जो जुड़ के काम करने लगते हैं, या आप नौकरी चेंज के लिए भी अप्लाई करते हैं तो भी आपका फायदा हो जाता है। किसी किसी का प्रमोशन ड्यू है, कभी कभी लोगों तो क्या होता है उनका ट्रांसफ़र भी होता है और उनका प्रमोशन भी होता है, वो दोनों ही चीज़ें यहाँ से दिखाई देती हैं। यानी बुध को देखें तो राशि का मालिक होने के कारण वो जितना कमजोर था अब वो बहुत हद तक बहुत मजबूत और बहुत बली दिखाई देगा। इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए कह सकता हूँ एक बहुत अच्छे समय की शुरुआत यहाँ से हो गई है। जितनी भी पीड़ा पिछले 60 दिनों में खास तौर पे आपको मिली है अब वो सारी पीड़ा खत्म होगी और आपके बहुत सारे काम अब बनते दिखाई देंगे। जय श्री राम।